दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1977 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है दूसरा आदमी। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी गुलजार, शशि कपूर, देवेन वर्मा, परीक्षा सानी, सत्येंद्र कपूर, गीता सिद्धार्थ और यूनुस परवेज। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है सागर सरहदी और राजू सहगल ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रमेश तलवार ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं यश चोपड़ा। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है करण सक्सेना और टिम्सी यानी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की प्रेम कहानी से, जहां करण और टिम्सी एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार कर बैठते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये लोग शादी भी कर लेते हैं। और फिर कहानी अपना असल रुख तब लेती है जब करण खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है निशा यानी राखी गुलजार की, जो एक कामयाब औरत है। और फिर करण निशा को एक बिजनेस प्रपोजल देता है, जिसे निशा एक्सेप्ट कर लेती है। और निशा के इस एक्सेप्टेंस की वजह होती है निशा का गुजरा हुआ कल, जहां निशा अपने बॉयफ्रेंड शशि सहगल यानी शशि कपूर की ट्रेजिक मौत के बाद करण में शशि को देखती है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है, ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्टर रमेश तलवार का काम काफी इंप्रेसिव रहा, जहां उन्होंने स्टोरी को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में प्रेजेंट किया है। और वैसे तो फिल्म का प्लॉट काफी यूजुअल दिखाई देता है, मगर इंटरेस्टिंग स्टोरी नरेशन की बदौलत यह फिल्म ऑडियंस पे काफी हद तक इम्पैक्ट छोड़ती है। इसके अलावा फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छे से लिखा गया है, जहां इम्प्रेसिव स्क्रीन प्ले राइटिंग के जरिए फिल्म को काफी रियलिस्टिक और इंगेजिंग बनाया गया है। और फिल्म का फर्स्ट हाफ स्टोरी और करेक्टर्स बिल्डअप के वक्त भी स्लो नहीं पड़ता और टोटली एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देता है। और फिल्म के सेकंड हाफ में तो हमें एक रोमांटिक मेलो ड्रामा देखने को मिलता है, जो हमें एंड तक कहानी से जोड़े रखता है। और बात करें डायलॉग्स राइटिंग की, तो फिल्म में राइटर्स ने डायलॉग्स राइटिंग पे भी खास ध्यान दिया है, और इस फिल्म में हमें काफी बढ़िया डायलॉग्स और रियलिस्टिक कन्वर्जेशन सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी काफी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफी जबरदस्त हैं, खास तौर पे सॉन्ग्स चल कहीं दूर निकल जाएं, नजरों से कह दो और आंखों में काजल है तो अपने वक्त के काफी मशहूर गाने हैं, और ये गाने आज भी लोग बेहद शौक से सुनते हैं। आप बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो राखी गुलजार का ये किरदार इस मूवी का सबसे अहम किरदार था, और उनकी एक्टिंग इस मूवी में भी हमेशा की तरह इम्प्रेसिव रही, खास तौर पे उनकी डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इस रोल को इम्पैक्टफुल बना गई। इसके अलावा ऋषि कपूर की बात करें तो वो इस बार भी हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे गए, और उनका काम वाकई में काबिले तारीफ रहा। और बात करें नीतू सिंह की, तो उन्होंने भी अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया और शानदार परफॉर्मेंस दी, और वो इस फिल्म में काफी खूबसूरत भी नजर आईं। इसके अलावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है, खास तौर पे शशि कपूर इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आए। ओवरऑल देखा जाए तो दूसरा आदमी एक वेल स्क्रिप्टेड हाईली एंटरटेनिंग मूवी है, जिसमें आपको अच्छी कहानी के साथ साथ आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों दूसरा आदमी मूवी मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, आप सब भी इस शानदार मूवी को जरूर देखिएगा।